हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्रदेश में महागठबंधन का कहर झेल चुकी बीजेपी अब दलितों को लुभाने के लिए नए नए दाव चल रही है। दलित वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अंबेडकर नगर में टांडा बीजेपी विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को दूध से नहलाकर मंत्रोच्चार के साथ शुद्ध किया, साथ ही तिलक लगाकर भगवा अंग वस्त्र पहनाया। बीजेपी विधायक संजू देवी, बीजेपी नगर अध्यक्ष ने बताया कि अंबेडकर ने दलितों और वंचितों के लिए बहुत काम किया। दलितों में अंबेडकर भगवान की तरह पूजे जाते हैं और हिंदू सनातन धर्म की परंपरा महापुरुषों का हमेशा सम्मान करने की रही है। भगवा अंग वस्त्र पर उन्होंने कहा कि भगवा कलर किसी विशेष जाति का नहीं बल्कि सबका है। भगवा अग्नि शौर्य और वीरता का प्रतीक है। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने और दलितों वंचितों के लिए इतना काम किया है उन्होंने कि दलितों वंचितों के पूरे भगवान के रूप में स्थापित है डॉक्टर अंबेडकर। इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने महापुरुष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करके अंगवस्त्र भेंट किया और उनको दुग्धाभिषेक किया है। बात ये दुग्धाभिषेक की है और भारतीय परंपरा है, सनातन व्यवस्था में दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और माल्यार्पण, तिलक बंधन और अंगवस्त्र, ये सारे कर्मकांड निहित है। यूपी के अंबेडकर नगर स्थित टांडा से बीजेपी विधायक संजू देवी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को दूध से पवित्र करने के बाद भगवा वस्त्र पहना दिए। विधायक के इस कारनामे के बाद एक नए विवाद को हवा मिल गई। गुरुवार को टांडा विधानसभा से विधायक संजू देवी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टांडा इलाके के थिरुआ के पास स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को मंत्रोच्चार के साथ दूध से नहलाकर दुग्धाभिषेक किया और चंदन का टीका लगाकर भगवा वस्त्र पहना दिए। इस घटना को बसपा ने अनुचित बताते हुए कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अंबेडकर के सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं और ये सब केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर संजू देवी की ओर से कहा गया कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत पहले क्षेत्र में सफाई कार्यक्रम चलाया और फिर अंबेडकर की मूर्ति को साफ करके उनका दुग्धाभिषेक किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।